जैसे मैं टनल पे पहुंचा वैसे जो वहाँ के लोग खड़े थे, 41 लोग जो खड़े थे, उन लोगों की एक ही पुकार थी कि एनडीआरएफ की जय हो। ये एक बहुत बड़ा समन्वय था, एक बेहतरीन समन्वय था जिस कारण ये ऑपरेशन संभव हो पाया। भारत के इतिहास में बहुत ही अपना बड़ा ऑपरेशन ये था। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि 41 के 41 क्रमिक वर्कर्स सेफली बाहर आए, ठीक है। और ये दिन मेरे लिए एक और भी यादगार के तौर पे होगा कि मैं जब भी ये बर्थडे मनाऊँगा तो ये सीन मेरे को याद आएगा कि हमने ये लास्ट 15 डेज से ये रेस्क्यू को अंजाम दिया, हमारी टीम ने अंजाम दिया और ये सकुशल हुए। जैसे मैं वहाँ गया सर, तो मैं एक अपनी भावना से मेरे अंदर इतनी जज्बा था, इतनी खुशी थी मेरे अंदर कि मैं अंदर जा रहा हूँ 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी अभ्यास के साथ, पूरा जोश के साथ गया था। जैसे मैं टनल पे पहुंचा वैसे जो वहाँ के लोग खड़े थे, 41 लोग जो खड़े थे, उन लोगों की एक ही पुकार थी कि एनडीआरएफ की जय हो। और इतनी खुशी थी कि वो सोच रहे थे कि हमारे पास बंदा पहुंच चुका है हमारी सहायता के लिए। पाइपलाइन को डालने में 17 दिन लगे, उस पाइपलाइन के जरिए आपके कंधे पर सारी जिम्मेदारी देकर प्रशासन ने आपको अंदर भेजा था। सर सर इतना दबाव नहीं था क्योंकि हमारा ये क्या है, ट्रेनिंग का पार्ट है सर। हम ट्रेनिंग के दौरान हम ये सिखाया जाता है कि ट्रंच के अंदर कैसे जाना है, क्रोलिंग करके कैसे जाना, अपनी सेफ्टी की हमें कोई डिफिकल्टी नहीं लगा सर। जैसे मैं अंदर गया सर, सबसे पहले तो हल्का फुल्का डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे एक जज्बा, एक जोश के साथ जो ट्रेनिंग मैंने की प्राप्त की थी, जो हमने ट्रेनिंग के दौरान अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की उसके दौरान मुझे कोई महसूस नहीं हुआ इतना। सर सर और सर उसमें एनडीआरएफ के रोल की चर्चा होगी क्योंकि वो सुरंगनुमा पाइप से एनडीआरएफ के लोग ही सबसे पहले मजदूर तक पहुंचे सर और उन्हें सकुशल बाहर लाए सर किन्हीं को खरोंच तक नहीं आई। तो एनडीआरएफ अपने इस सफर को कैसे दुनिया को बताना चाहेगा? मनमोहन सिंह रावत एनडीआरएफ सर एक अपने में बहुत बड़ा हुआ है, हमें ट्रेनिंग सिखाई जाती है सर आपदा के दौरान कैसे कैसे एक्टिवेट करना है रेस्क्यू के दौरान, ये हमें ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया जाता है। हम सर एक साथ में तीन लोग गए थे। कौन कौन? मैं गया था, सचिन गया था जो मेरा सहायक है, सचिन और विनोद और प्रदीप। उसके बाद सर हमारे साथ बीच बीच में हमारे साथ एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर भी थे सर। तो सबसे पहले किन मजदूर भाई को आपने रेस्क्यू किया, उठाया? सबसे पहले सर जो वहाँ ज्यादा जो एज के थे उनको सबसे पहले हमने रेस्क्यू किया सर। अच्छा, क्या तरीका था रेस्क्यू करने का? रेस्क्यू करने का तरीका था सर, वहाँ सबसे पहले हमने रोप एक थ्रो किया जिसमें नॉटेड रोप बनाई, नॉटेड रोप के दो क्लाइम किया। क्लाइम करने के बाद जैसे हमारे पास पहुंचे और पूरी सेफ्टी के साथ एल्बो नी पैड हेलमेट हेडलाइट पूरी सेफ्टी के साथ पहनाया गया था सर। जैसे ऊपर आए वैसे हमने उनको स्ट्रेचर पर लेटाया और दोनों साइड से हमें उसे विलेज जो हमें सिखाया जाता है दोनों साइड से हमने रॉप बांधी थी और जो बाहर हमारे जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने अपने तरफ पुल किया सर। पेट के बल? नहीं सर, पीठ के बल सर। हाँ सर सर सर।